अगर वो जितना टाइम यूट्यूब पे देंगे, अगर वो किसी जॉब वगैरह प्रिपरेशन उनके मन में है कि हमें ये करना है, तो हम कहना चाहेंगे कि आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और जैसा कि आप देख लिया होगा आपने, हमारे बगल में जो बैठे हैं, हालांकि हम लोग जूम से कनेक्टेड हैं, लेकिन आपको देखते ही पता लग गया होगा कि आपका जाना पहचाना चेहरा आपके सामने है। और ये अंकित मौर्य हैं, जो कि एक चैनल स्टडी पावर पॉइंट चलाते हैं, और अभी कुछ ही दिन पहले इनके 100 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो इनके नाम से आप जरूर ही परिचित होंगे। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को इस तरह से काबिल बनाया या इस लायक बनाया कि आज वो स्टूडेंट्स के बीच में इतने पॉपुलर हैं, और क्या इन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ की जर्नी कंप्लीट की है और क्या आगे करेंगे, क्या इनके विचार हैं, वो सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंकित, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि मुझे मौका एक दिया गया कि मैं एम्पलीट्यूड स्टडी पे आ पाऊँ। ठीक है, मेरा ये पहला इंटरव्यू होने वाला, काफी अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम कोई इंटरव्यू ले रहा है। तो सर, स्टार्ट किया जाए और एक जर्नी को आज लोगों के सामने है, ताकि वो लोग भी जाने और कुछ वो लोग भी करें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकित, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके माता पिताजी क्या करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। तो यस सर, सर जैसे कि आप सभी लोग को पता है, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं हूँ जौनपुर से। जौनपुर पड़ता है यूपी में। काफी लोग को जौनपुर नहीं पता है कहाँ जौनपुर है, तो वाराणसी के बगल में और आजमगढ़ के बगल में, बीच में ही लगभग पड़ता है यह। और बात करें मेरी फैमिली की, जैसे मेरे माता पिता क्या करते हैं, तो पापा तो यहाँ नहीं रहते, पापा रहते थे सूरत और मम्मी जी तो घर पे ही रहती हैं। अच्छा, एक वीडियो हमने देखा था आपका, जिसमें कि आपका ये जो आपके पीछे लगा हुआ है स्क्रीन हाँ डिजिटल, सर, इसके इनॉग्रेशन में यस मम्मी सर, पापा आए थे, वो वीडियो मैंने भी देखा था। हाँ सर, हाँ, ओपनिंग हुआ था तो मम्मी पापा को बुलाया गया था, क्योंकि थोड़ा ओपनिंग था तो हम कहे कि अभी तक तो मम्मी पापा आए नहीं है, तो आज आएंगे तो थोड़ा काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद अब हम जानना चाहते हैं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कहाँ से आपने 12th किया और पॉलिटेक्निक वगैरह कहाँ से किया है, थोड़ा उस बारे में हमें बताएं। सर यस सर, अब देखिए हमारा जो पिछला बैकग्राउंड सर एजुकेशन फील्ड में रहा है, जैसे कि हमने तो नॉर्मल 12th तक एक गांव से ही पढ़ा है, मतलब जो गांव था उसी के आसी पास में कॉलेज जो होते हैं नॉर्मल छोटे कॉलेज, यूपी बोर्ड से ही पढ़ा। और उसके बाद जब 12th वगैरह कर ली तो पता चला कि अब कुछ करना चाहिए। और सर बात ये हुआ कि मैं जब 11th में था तो मैंने पॉलिटेक्निक का नाम सुना था, तो मैं कहा कि चलिए पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देते हैं। तो फॉर्म भरा तो उस टाइम तो मार्क्स वगैरह आ गए, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, तो इस वजह से तो मैं गवर्नमेंट में एडमिशन ले नहीं पाया और उसमें 12th भी चल रही थी। तो फिर से जब 12th आया, फिर से फॉर्म भरा और फिर से अंक आए कुछ, फिर भी और जो कुछ लोग थे जिसे कांटेक्ट में नहीं थे वो लोग तो गवर्नमेंट का ही ले लिए। बट मैं फिर पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तब बीच में तो पता चल गया था कि गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए काउंसलिंग करानी पड़ती है। बट क्या हुआ कि जब काउंसलिंग कराने जो फॉर्म वगैरह भरे तो उनके पास गया तो कह रहे हैं कि हम काउंसलिंग नहीं करेंगे, आप कहीं और चले जाइए। उस समय कोई मिला नहीं और गवर्नमेंट कॉलेज तो फिर मिला नहीं, तो हम कहें कोई बात नहीं। और घर वाले का भी प्रेशर था कि अब पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर कुछ करो। तो मैंने कहा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नॉर्मल सब बीए बीएससी कर रहे थे, तो मेरा इंटरेस्ट था नहीं कि मैं बीए बीएससी करूं। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास में ही घर से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूर पे पड़ता है प्रसाद पॉलिटेक्निक, प्रसाद ग्रुप करके चलता है, प्रसाद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक चलता है। तो एक सर से 2016 में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। एक बार फंक्शन कोई दक्ष का ऑर्गेनाइज किया गया था, तो हम लोग वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे, तो थोड़ा हम लोग ना फर्स्ट लिस्ट आई थी टॉपर्स वगैरह में, तो इस वजह से उनसे कांटेक्ट हो गया था। तो हम कहें चलिए सर एडमिशन का क्या प्रोसेस है तो बताएं, तो हमने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया 2018 से, और फिर उसके बाद 21 तक उसको कंप्लीट किया। अच्छा, ठीक। तो अच्छा, ये और इस बार भी काफी अच्छा रिजल्ट वगैरह रहा, तो फाइनली इलेक्ट्रिकल में तो टॉपर हुई, इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच में, तो बहुत। काफी अच्छा रहा, टीचर वगैरह बहुत सपोर्ट मिले। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो चैनल बनाने का विचार है, ये कहाँ से आया, किसको देख के आया,
ये चीज कहाँ से शुरू हुई? सर देखिए, पहले तो चैनल वगैरह के बारे में मुझे पता नहीं था उतना, क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन वगैरह या कोई फोन वगैरह तो मेरे पास हुआ नहीं करता था। और बट मेरे पास जो छोटा वाला फोन आया करता था वो मम्मी के पास एक रहता था, तो थोड़ा बहुत उसको यूज करते थे, तो जानते थे ऐसा होता है। उसके बाद अपग्रेड हुआ, थोड़ा सॉन्ग वगैरह वाला आ गया, तो ये ऐसा चल रहा था सर। लेकिन कुछ लोग अगल बगल पास पड़ोसी जो रहते उनके पास था ये फोन, तो मैं सिर्फ जाया करता था देखने की फोन कैसे है, चलता क्या, गेम वगैरह कैसे खेलते हैं। तो लेकिन सर फिर बात नहीं बन रही थी, फिर ऐसे ऐसे सर चलते आ गया। लगभग मैं 12th में ही था सर, लगभग यह बात है 10 दिसंबर 2018 की है। तो मेरे पास एक छोटा वाला ही फोन लिया था, क्योंकि मैं पिछले बताया ना कंपटीशन एक हुआ था, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिली थी, तो कुछ पैसे वगैरह मिले तो हमने एक छोटा फोन खरीद लिया था कि भाई मुझे भी मेरे पास फोन एक होना चाहिए। तो सर वो फोन तो गुस्से में आके मैंने तोड़ दिया, क्योंकि सर उसमें माइक काम नहीं करता था और छोटा सा बिल्कुल था। तो बाद में हमने कहा कि अब हमको बड़ा फोन चाहिए, मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कि मुझे बड़ा फोन चाहिए और मुझे पढ़ाई करनी है ऑनलाइन, तो ऐसा तो पढ़ ही रहा हूँ। तो सर किसी तरीके से सर 12 दिसंबर 2018 को मोबाइल मैंने ले ली किसी तरीके से, जैसे तैसे मना के मम्मी को, क्योंकि सर लगभग 12,000 रुपये उस समय फोन आता था और वो भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ले लिया सर किसी तरीके से। अब सर जिस दिन फोन मैंने लिया सर, उसी दिन किसी के मतलब इधर ही वाराणसी के एक लोग रहते हैं, सूरज नाम है उनका, तो पढ़ाते थे, तो हमने कहा कि ये पढ़ा सकते हैं, लगभग देखने में ऐसे ही एज के लगते थे, तो हमने कहा कि सर ये जब पढ़ा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और 12 दिसंबर को मोबाइल लिया और 13 दिसंबर को वीडियो बना डाला, पता तो नहीं था लेकिन एक ईमेल आईडी थी उस पे ही डाल के सीखने लगा। तो फिर धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत सीखा, कुछ उनसे पूछा, क्योंकि सर यूट्यूबर थोड़े बड़े होते हैं तो कॉल वगैरह तो उठाते नहीं है कि कॉल वगैरह उठाएंगे और हमसे बातें करेंगे, तो किसी तरीके से उन्होंने बातें वगैरह थोड़ी बहुत हुई, थोड़ा बहुत सीखा उनसे। और फिर लगभग सर हमने इस चीज को 2 महीने के करीब सीखा, और तब तक मेरे 12th के एग्जाम हो गए। और उसके बाद सर कि कुछ हमारे पास जैसे वीडियो थे, हमारे एक सर थे उमेश नाम था, उन्होंने मैराथन क्लास ली, तो उन्होंने कहा अंकित देखिए हमारी वीडियो है, इसको आप यूट्यूब पे डाल दीजिए, क्योंकि सर इस फील्ड से मैं थोड़ा था, तो मैं डाल दिया, तो उसके वजह से मैं थोड़ा सीखा। और फिर तभी से सर मैं वीडियो मतलब उससे पहले बनाता था लेकिन डालता नहीं था पब्लिक सबको पढ़ाने का, लेकिन उसके बाद से सर मैं कंटिन्यू किया, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया। तो जब पॉलिटेक्निक में सर एडमिशन ले लिया तो जो सेमेस्टर चलता था उसका मैं पढ़ाता था, जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो मैं फर्स्ट वाले पढ़ाता, सेकंड चला सेकंड, इसी तरीके से करते थे सिक्स सेमेस्टर तक, सिक्स सेमेस्टर वाले तक पढ़ाते चला आया। तो सर काफी इस बीच हुआ तब जाकर के यहाँ पे हम लोग आ पाए। और उसी टाइम पे शायद लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन से और ज्यादा उसने हाँ, नहीं सर उसके पहले से सर हम थे, तो एक्चुअली उस टाइम सर थे तो 1-2 चैनल बस थे ओनली, एक मेरा था, इससे पहले 1-2 लोग आए भी थे तो बंद कर था। एक्चुअली सर डिप्लोमा भी मैं नहीं कर पाता, लेकिन क्या था ना कि मैं जब पढ़ाई करने सोचा तो कॉलेज में तो पढ़ाते थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसी होती थी जो नहीं समझ में आई, या टीचर कुछ हर जगह सब टीचर बराबर होते नहीं है, किसी का कम ज्यादा हो जाता है, तो मैं सोचता था सर कि मुझे ऑनलाइन मिल जाए मैं पढ़ लूँ इससे, तो सर मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैं पढ़ूंगा क्या तब। तो सर हमने कहा कि जब किसी को नहीं मिला तो चलो छोड़ो मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो इसी वजह सर हमने देखे डिप्लोमा का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह सर चैनल वगैरह को वहां से एकदम हमने कहा कि अभी करते हैं इसको, फिर बीच में बंद कर दिया था लगभग एक फर्स्ट सेमेस्टर तक, लेकिन जैसे फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ फिर सेकंड सेमेस्टर आया वहीं से सर स्टार्ट किया, कुछ दिन थोड़ा 10th वगैरह का पढ़ाया फिर बंद कर दिया, और उसके बाद सीधे डिप्लोमा पे आ गया। और उस टाइम चैनल बहुत कम हुआ करते थे, एक्चुअली ज्यादा होते, ये तो लॉकडाउन से सब चैनल आया, नहीं तो आते भी नहीं उतना, कंपटीशन बहुत कम था, तो ज्यादा हो चुका है। अच्छा, जब वीडियो बनाते थे तो घर वाले कुछ कहते थे कि मतलब ये क्या कर रहे हो या टाइम बर्बाद कर रहे हो या इससे क्या होगा, क्योंकि उन्हें शायद हाँ सर या सर ऐसी दिक्कतें आई थी, ऐसे सर बहुत सारी दिक्कतें आई। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे गांव वगैरह तो खेत ही होता है नॉर्मल सा, तो जब मैं सर पहली वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट किया तो घर पे तो इतना बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकते, तो हमने सब किसी तरीके से अपना जुगाड़ वगैरह लगाया, व्यवस्था करके मैं खेत में चला गया आराम से वीडियो बनाने, रात के लगभग 9-10 बजे के करीब, तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं होता था, तो वहां पे जाके कीट पतंगे आ रहे किसी तरीके से इधर उधर करके बना रहे हैं उसको, कि 1-2 बना, फिर 2-4 बन गया तो फिर किसी तरीके से व्यवस्था करके घर में ही लेके आए, तो हल्ला वगैरह तो होता ही था, तो किसी तरीके से जब थोड़ा बहुत हुआ तो डांट भी सुनने को मिलती थी, क्या फालतू का करता रहता है चिल्लाते रहते हो,
तो लेकिन फिर बाद में सब समझे धीरे धीरे, तो हमारी दादी माँ हुआ करती तो वो बहुत सपोर्ट करती थी। एक्चुअली क्या ना कि जब कोई थोड़ा भी आवाज किया कुछ किया तो दादी माँ तुरंत शांत कराने लगती थी, वो पढ़ रहा तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो काफी अच्छा सपोर्ट मिला। वैसे सब लोग धीरे धीरे जब जान गए घर वाले तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, तो हाँ समझ जाते थे पढ़ रहा है, बट वो लोग नहीं जानते पढ़ा रहा है, वो लोग जानते थे पढ़ रहा है इस तरीके से। तो हाँ मैनेज हो जाता था। फिर तो उसके बाद तो सब टाइम भी तो नहीं मिलता था, डिप्लोमा में 9 से 5 तो कॉलेज में रहता था, घर लगभग पहुंचता था 8-9 बजे करीब, 9 बजे से वीडियो बनाता था 9 से 2 रात को, वीडियो भी जो बोला भी उस टाइम तो बहुत रहा है उस टाइम का। तो अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स भी आजकल जो है अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये चैनल जो है मोनेटाइज कितने टाइम में हुआ? सर ये जो नया चैनल बना रहा है सर, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ एक्चुअली सर, बनाया तो हमने लगभग 12 मई 2018 के करीब का है, उसी के आसपास का। और उस टाइम तो सर हम मतलब इनएक्टिव, क्योंकि पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में गए थे और हमें उतना पता नहीं होता था। तो पर पुरानी वीडियो थी, बीच बीच में मैं 10th का पढ़ा देता था, क्योंकि मुझे तो पहले से पता होता था ये चीजें आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो एक दो टॉपिक बता देता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा चल रही थी वीडियो। तो उसके बाद सर हमारी वीडियो चलने लगी, तो फिर इधर जा करके दिसंबर के करीब थोड़ा थोड़ा मुझे दिखा के बढ़ रहा है कुछ, कंपटीशन तो नहीं था। टीचर वगैरह कुछ टीचर बहुत मजाक उड़ाते थे, इसके 800 सब्सक्राइबर हैं, 800 लेके घूम रहा है, 850 हैं, तो इस तरीके से। तो स्टूडेंट भी बहुत मजाक लेते थे वैसे किसी के सामने। तो फिर उसके बाद सर फाइनली सर जो जनवरी आया तभी से हमने सर थोड़ा सा इस पर रेगुलर काम किया, और सर उसमें उतना रूल भी नहीं पता था। ये पता था कि 1 साल में 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर करने हैं, सब्सक्राइबर तो के पास टाइम नहीं हुई। तो हमने सर कोशिश की और इतना वीडियो बना दिया कि 12 मई से पहले ही हमारा मोनेटाइज हो गया, अच्छा, लगभग 4 महीने का टाइम लगा, 3 से 4 महीने का। उस टाइम कंपटीशन सर एकदम नहीं था, मतलब कोई देखता ही नहीं था उतना यूट्यूब, तब नया नया ट्रेंड चला था। तो लेकिन अब तो सब और जल्दी ग्रो कर सकते हैं अगर आपके समय में करें तो। बिल्कुल। अच्छा, जो ये फर्स्ट पेमेंट था उसके बारे में थोड़ा सा। सर फर्स्ट पेमेंट का भी बहुत एक ऐसे ही लंबा स्ट्रगल उसका भी करना पड़ा एक्चुअली सर, कि स्टार्ट किए तो 2018 में, लेकिन फर्स्ट पेमेंट आई लगभग अक्टूबर 2019 के करीब, 20 के करीब इस टाइप से, मतलब बहुत दिन बाद आई, लगभग से जब मई में मोनेटाइज हो गया 2019 में, तो जा करके वो लगभग अक्टूबर में आई हमारे पास पेमेंट। क्योंकि सर उस टाइम कुछ ऐसा रूल हुआ करता था ना कि वो जितने भी पेमेंट मेरी बनती थी वो कट जाते थे, कुछ मिलता ही नहीं था, लगभग $1 $2 ऐसे जाते थे। तो ऐसे करते करते पहले $10 किसी तरीके से हुआ, जब $10 हो गए तो जा करके धीरे धीरे करते 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 फिर अक्टूबर के करीब हमारे $120 के करीब हुए थे, लगभग वही 9,000 रुपए के करीब हुए थे। ठीक। तो ये जब फर्स्ट पेमेंट हुई थी और आपने घर वालों को बताया तो उनके क्या हाँ रिएक्शन सर, तो सर घर वाले तो सर पहली बात तो मान नहीं रहे थे, हम कहें कि देखिए हमारी पेमेंट, हमें पता 21 तारीख को, हर 21 को निकलती है पेमेंट, तो लगभग 5-7 दिन में आ जाती। तो उस टाइम सर हम भी सब कुछ एकदम फिल करके रखे थे कि अब पेमेंट आ जाएगी बताऊंगा, लेकिन सर टाइम बीत गया और पेमेंट आई नहीं। तो लगभग हम कहें कि अब सब मजा और लेने गए, पेमेंट वेमेंट तुम्हारी कुछ नहीं आ रही है और तुम ऐसे ही कहते रहते हो। और जो पैसे थोड़े बहुत, मतलब मैं ज्यादा पैसे घर से नहीं लेता था, क्योंकि सर मैं स्ट्रगल करके माइक वगैरह ना, मैं कोचिंग छोटा सा पढ़ा करके कॉलेज से डायरेक्ट कोचिंग जाता था, वो भी 10 किलोमीटर दूर, 1 घंटे पढ़ाने के लिए मुझे 1,000 रुपये मिलते थे। तो हमने उससे जो मिला माइक खरीदा कि मैं थोड़ा वीडियो इंक्रीज करूं, तो वहां से ला करके तो हमने यहाँ पे ये सब किया तब जा करके हुए ना। तो इस तरीके से अच्छा। किया, तो यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट आया। तो फिर 30-31 के करीब पेमेंट, ऐसे शाम को मैसेज आता है कि आपका पेमेंट आया है। तो हमने बताया तो उस दिन काफी अच्छा लगा कि चलिए लगभग 1.5 साल के करीब मैंने, मतलब सर उस टाइम मैं सोचता था ना मुझे पैसे नहीं मिले कोई बात नहीं, बट मुझे मेरे अंदर एक स्किल आ रही है, स्किल आ रही है, मैं पढ़ा सकता हूँ, किसी को कुछ बता सकता हूँ, तो बस इस वजह से। और बाकी तो मुझे जो कॉलेज में पढ़ना होता था वो तो मैं पढ़ ही लेता था कॉलेज में, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं रहता कि मुझे नहीं आ रहा है, दिक्कतें हो रही है, वही एवरेज रहता था। लेकिन इधर करते चला तो फिर हमने कहा कि चलिए पहली पेमेंट आ गई, अब काम किया जाए इस पे। ठीक। तो धीरे धीरे करते करते अब आप जो है वो इस कंडीशन में आ गए, हाँ डिजिटल बोर्ड और पूरा सेटअप। हाँ सर
हाँ सर, वो सब ऐसे धीरे 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 होता रहा, और स्टूडेंट का सर बहुत सपोर्ट मिला, जिस वजह से आगे कुछ इनकम वगैरह होती रही। तो सब चीज अभी जैसे बोर्ड वगैरह आया, एप्लीकेशन वाले जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किए, तो हमने कहा कि चलिए एक इन्वेस्टमेंट ही हो जाती है कुछ इधर से करके, हम कहते हैं कि बोर्ड लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के बहुत दिन से डिमांड है सर, आप डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे, आप नॉर्मल से पढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आप ही लोग का सपोर्ट रहा तो हम ये भी लगा देते हैं। तो अंकित ये बताइए कि हमारे पॉलिटेक्निक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना खुद का चैनल भी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या वो करें क्या ना करें? हाँ सर, देखिए ऐसा मेरे पास भी बहुत कमेंट आता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि हम चैनल बना लें। अब मैं पूछता हूँ कि सर आप चैनल क्यों बनाना चाहते हैं, क्या रीजन है? तो उनका सीधा एक ही मतलब होता है, सर मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। लेकिन सर मेरा मानना यह है कि अगर वो जितना टाइम यूट्यूब पर देंगे, अगर वो किसी जॉब वगैरह प्रिपरेशन उनके मन में है कि हमें ये करना है, तो हम कहना चाहेंगे कि आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि सर लगभग 2-3 साल में यूट्यूब आप जब तक करेंगे, और मुश्किल से कंपटीशन सर ज्यादा है ना, इस वजह से आप 100 मतलब 7-8 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा। और इसमें सर लिमिटेड लोग हैं, अगर आप सिर्फ डिप्लोमा के क्षेत्र में है, और सर डिप्लोमा वाला स्टूडेंट ज्यादातर डिप्लोमा में ही आता, अदर में नहीं जाता कि हम चलते हैं यूपीएससी वाले में या फिर कोई और की तैयारी कराने, तो इसमें आता सर, तो वो अपना पूरा टाइम सर इसमें लगा देगा, तो आगे वो गवर्नमेंट जॉब की नहीं कर पाए। कुछ एक अभी स्टूडेंट था सर, वो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो सर वो कहा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है। हम कहे ठीक है, लेकिन उसका जेई के था, तो हमने कहा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज रखो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम जेई की तैयारी कर लो फिर कर लेना, क्योंकि सर जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। जैसे सर बड़े बड़े आप चैनल खुद देखे होंगे कि जो पहले से चल रहे थे, अब इस समय देखिए वो डाउन हो, जैसे सर टेक्निकल गुरुजी का एक बहुत बड़ा टेक चैनल उस टाइम सब देखते थे, तो उनका सर व्यूज डाउन हो गया, उनको कोई नहीं देख रहा, जबकि जो नया स्किल अभी लेके आया वो चमक गया है एकदम। तो आपके अंदर स्किल होगी तो आप कभी भी चमक सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसी टाइम पे होगा। तो मेरा तो कहना है कि आप पहले पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए, उस पे होगा तो काफी अच्छा, क्योंकि सर काफी लोग होते हैं कहते हैं मैनेज नहीं होता। एक्चुअली सर हमने जब ये सब कर रहा था, मैं तो अगर मैं भी सोचा होता कि सिर्फ पढ़ाई को लेकर चलूं तो मेरा भी नहीं हो पाया होता, लेकिन सर हमने क्या किया कि जो भी पढ़ने का काम रहता था सब मैं करता था कॉलेज में, घर पे पढ़ाने का काम करता था। अब थोड़ा गॉड गिफ्टेड कह लीजिए या जो कह लीजिए, बट मैं घर पे नहीं पढ़ाई इतना ज्यादा कि मुझे घर पे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, और ये सब घर पे पढ़ाने का काम करता था, कॉलेज में पढ़ने का काम करता था, सही बात है, अगर वो इतना मैनेज कर सकते हैं तब तो वो इस फील्ड में आए। तब जाके करें सर। और सर एक्चुअली इसके लिए सर रातों को बहुत जागना पड़ता है, आप देखे होंगे, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती हैं, कब अपडेट आ गई आपको देना पड़ेगा, सब काम छोड़ो पहले यह करो, है ना? तो ये चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात सर इसमें एक लिमिटेड है ना, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे गए तब तो ठीक है, या फिर आप 100% रिस्क लीजिए कि हमें यही करना है। जैसे सर हमने किया तो हमने अपना पूरा 100% अब इसमें दे दिया कि अब हमें यही में करना है, जो भी बच्चे हैं उनको आगे ले जाना है, अपने को भी आगे ले जाना है, हम लोग और आगे जाएंगे, तो इसी फील्ड में किया सर हमने, दो पे नहीं किया। अच्छा, थोड़ा बच्चों को पढ़ने के बारे में, जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो पीडीएफ के पीछे ज्यादा भागते हैं और खुद से नोट्स बनाने का प्रचलन जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, इस बारे में आप? यस सर, देखिए इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जो स्टूडेंट सर ना थोड़ा सा वो अगर दिमाग लगाएंगे तो उन्हें सर कुछ दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या होता है सर कि स्टूडेंट जब मैं भी पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सर वो वही स्टूडेंट होते हैं जो अभी सर रिसेंटली एडमिशन कराए होते हैं, जैसे एप्लीकेशन पे हमारे एडमिशन करा लेते हैं तो सर कहते हैं कि क्लास लाइव कर लिया हमने, कहते हैं सर हमें समझ नहीं आया। तो जब आप पीछे का नहीं पढ़ेंगे सबसे पहले तो आएगा नहीं, और दूसरी बात सर यह कि माइंड जो चीज पहले एक बार देख चुका होता है वो जल्दी समझता है। तो हम स्टूडेंट को यह सलाह देते हैं कि देखिए हम आपको नोट्स जैसे हम सर पीडीएफ दे देते हैं, वो डाउनलोडेबल नहीं रहती है, वो देख सकते हैं, तो हम कहते हैं अगर हमने नोट्स दे दिया या फिर वीडियो में दिखा दिया तो वीडियो पॉज करके उसको लिख लीजिए अपने कॉपी पे, उससे पहले एक दो बार अपने से पढ़िए, एक दो बार पढ़ लिए और समझिए, या फिर कॉपी सामने रखिए जो वीडियो में पढ़ाया गया उसको एक बार देखिए कि क्या बोल रहे हैं और कॉपी से मैच करा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक दो बार सर अपने से कर लेने के बाद तब भी नहीं समझे आप हमसे आके पूछिए तो हम आपको बता देते हैं। तो सर क्या होता है ना कि जब एक बार अपने से पढ़ लेते हैं एक बार समझ लेते हैं तो उनको आ जाता है कि करना क्या है,
तो नोट्स के पीछे कुछ लोग कहते हैं सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो सर अगर करना चाहेगा तो कर लेगा, लेकिन सर पीडीएफ, अब कुछ लोग लगे रहते हैं हमें पीडीएफ ही चाहिए, तो उनके लिए तो थोड़ा देना पड़ जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर वो रिवीजन कर रहे हैं, सर हमने कुछ वीडियोस में बताया भी रिवीजन करने के तरीके, क्योंकि सर उस टाइम में यूज किया करता था, और इसके लिए सर एक हमारे मैथ के टीचर हुआ करते थे, उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, बहुत काफी अच्छे सर थे। उन्होंने सर क्या किया ना, जो एक नहीं गंदी वाली कॉपी आती है सर, उसको क्या किया ना कि लिख रहे थे तो ऐसे उठाकर फेंक दिए गैलरी में, कहें कि इस पे ना लिखो, तुम जाओ A4 साइज पेपर ले लेना, जो एक बंडल आता लगभग 180-200 रुपए का, असल उसमें 1000 पेजेज होते हैं, निकालो स्टेपलर कर लो 10 पेज का, और जितना रफ करना है सर उसी पे करो। और उसमें सर मैं ट्रिक ये लगा लिया था, मैं वो हेडिंग लिख देता था, जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ना है, मान लीजिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन ही पढ़ने हैं, तो मैं उसका सिर्फ हेडिंग लिख देता था कि इसके 2 भाग हैं, स्टेटर और रोटर, और स्टेटर का फिगर बना देता था और 1-2 बार देख के पढ़ता था, फिर उसके बाद माइंड में अपने चलाता था कि भाई हमको याद है या नहीं याद है, सिर्फ उस पर हेडिंग। फिर सर अगली बार जब मुझे रिविजन करना था मैं कुछ नहीं करता था, बस वही कागज उठाता था, क्योंकि सर नोट्स देखूंगा तो एक प्रकार से पूरा दिख जाएगा, तो मैं वो कागज उठा लेता था कि यही देखो लिखा गया है, और मैं वही पूरा माइंड में चलता था, हाँ ऐसे ऐसे है, कुछ वर्ड भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट एक गलती ये भी सर कर देते हैं, मैंने देखा है कि सामने जो टीचर या कोई भी नोट्स दे रहा वही कॉपी करने के चक्कर में लगते हैं, तो सर मैं भी ऐसे कभी हुआ करता था, मैं भी सोचता था ऐसा, और कुछ टीचर दबाव डालते हैं कि नहीं आप कीजिए जो मैं बोलूंगा वही सही है, बट मेरा सर मानना बिल्कुल अलग है थोड़ा सा, क्योंकि सामने जो चीज दिख रही है उसके बारे में आप बता दीजिए तो वो टॉपिक एक्सप्लेन हो जाती लगभग, ये नहीं कि जैसे वो टीचर सेंटेंस सेट किया उसी टाइप से बताया जाए, तो ये चीजें हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। आज के समय में भी सर जो एप्लीकेशन पे क्लास वगैरह करते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आप एक काम कीजिए कि जो भी चीज हम बता रहे हैं बस यही आप लिख दीजिए, जरूरी नहीं कि कॉपी, क्योंकि सर कॉपी की एक लाइन अगर भूल गई ना तो आप नहीं लिख पाएंगे, रुक जाएंगे, लेकिन आपको अगर उसके बारे में पता है तो आप कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से अगर सर करते हैं थोड़ा रफ कार और थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के सर, कुछ ज्यादा नहीं, 200 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होती आज के समय में, उतने सर पिज्जा वगैरह भी आजकल नहीं आते, तो मेरा मानना है कि 200 रुपए भाई अपने ऊपर एक बंडल पेपर खत्म कर दोगे उतने पॉलिटेक्निक ही पास कर जाओगे, तो ये तरीका मैं यूज करता था उस टाइम, आज भी रखा है बगल में। अच्छा अच्छा हाँ सर, वो अभी भी मैं यूज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है अंकित, अब हमें ये बताइए आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या आप इससे स्विच करेंगे या केवल इसी में यूट्यूब में ही जो है आप आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा इसके बारे में बताएं। यस सर, देखिए इसके बारे में मुझे बताना चाहेंगे, एक्चुअली सर ये जो इतना हमने सब कर दिया डिप्लोमा के लिए, तो सर मेरा मानना यह है यहाँ पे कि इस फील्ड में तो सर हम काम कर ही रहे हैं और हमें इसकी थोड़ी सी मतलब नॉलेज वगैरह हो गई कैसे काम किया जाता है, सर हम यह चाहते हैं हम इसको पूरे स्टडी पावर पॉइंट को और आगे बढ़ा के कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि सर अभी हम एक प्रकार से लिमिटेड स्टूडेंट हैं और सिर्फ डिप्लोमा का कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन सर अभी कुछ दिन पहले हमने जेई बैच लॉन्च किया था लेकिन एग्जाम आ गया तो बंद कर दिया गया था, तो इस वजह से उस पर भी काम चल रहा है, तो उसको भी आगे ला करके अब सर इतना सब हो चुका है। एक्चुअली मैं पहले गांव में रहा करता था तो वहां पे उतना व्यवस्था हो नहीं पाती थी, तो अभी अक्टूबर में लगभग मैं गांव छोड़ के चला आया, हम कहें कि अब एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, और सर हमने कंपनी ढूंढी थी, मतलब जितने पंजाब से भी हमने कहा था, जितने लोग थे मैंने सबसे कहा भाई हमें कंपनी दिला दीजिए, हम जॉब करना चाहते हैं, तो सर हमें कंपनी मिली नहीं, तो हमने कहा कि जब इतना स्टूडेंट का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है तो क्यों ना हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसी में आगे करते हैं, और स्टूडेंट का तो सपोर्ट है ही है कि उन्हीं को जैसे सब हो पाया है तो आगे भी वही लोग आगे ले जाएंगे, और तो यही है सर कि हम इसकी आगे बढ़ाते हैं बाकी। और जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अभी जैसे डायनेमिक चीज पे काम कर रहे हैं, आप अपने मतलब कि इसी पे कर रहे हैं कि आप अलग नॉलेज नहीं रख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अलग नॉलेज का डिप्लोमा के सिलेबस से लगभग जो जॉब वगैरह आती है थोड़ा सा एडवांस वगैरह लेने पड़ते हैं, तो डिप्लोमा का 30 सब्जेक्ट तो पढ़ा ही रहा हूँ, यहाँ से मुझे उतना कोई है नहीं, तो बट मैं चाहता हूँ मैं इसको आगे ले जाऊँ सर, मेरा गवर्नमेंट से उतना लगाव नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ सर, क्योंकि सर प्राइवेट में भी सर रिस्क है, इससे अच्छा है कि वही रिस्क मैं अपने पे, तो हो सकता है कि हो सकता नहीं हो जाएगा सर, क्योंकि इतना स्टूडेंट का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है कि इसे हम लोग और बढ़ा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अंकित आपसे बात करके काफी कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है स्टूडेंट्स को ये इनकी लाइफ की जर्नी जो है वो पसंद आएगी और उससे वो मोटिवेट होंगे, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स का प्यार और सपोर्ट आपको पहले से मिलता आ रहा है वही आगे भी मिलता रहे और आप इस क्षेत्र में तरक्की करते चले जाएं। तो आपका थैंक यू सर, थैंक यू, आने का धन्यवाद।
थैंक यू सर, हमें भी एम्पलीट्यूड स्टडी पे आने में मौका मिला, काफी दिन से बात हो रही थी लेकिन हो नहीं पा रही थी, लेकिन आज फाइनली हो पाया। चलिए तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ, धन्यवाद। ठीक है ठीक है।